अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश भर में चोरी व लूट के वाहनों को खपाने के लिए कुख्यात मेरठ के सोतीगंज बाजार की दुकान बंद हो गई। पुलिस की सख्ती के कारण इस काले धंधे में लिप्त कबाड़ियों को रोजगार के अन्य विकल्प चुनने के लिए बाध्य होना पड़ा है। दुकानों पर ताले लटकने वे बड़े कबाड़ी माफियाओं के जेल जाने के साथ ही संपत्ति कुर्क होने के बाद एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अब सड़क पर आ गए हैं। ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए आज सदर थाने में लोन कैंप लगाया गया। यहां जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त ने लोगों को लोन के लिए प्रोत्साहित भी किया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सोतीगंज पर शिकंजा कसने में आगे रहे एएसपी सूरज राय ने आज यह जानकारी दी। देखिए, थाना सदर बाजार पर आज प्रशासन से सामंजस्य स्थापित करके लोन और स्वरोजगार संबंधी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ यहां के निवासियों तक पहुंचे, इसलिए एक लोन मेला का कैंप लगाकर आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सोतीगंज बाजार क्षेत्र में जो लोग स्वरोजगार में अपना हाथ शुरू करना चाहते हैं या काम शुरू करना चाहते हैं, और जो लोग ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारा रोजगार चला गया है, तो उनकी सहायता के लिए आसान दरों पर आसान ब्याजों पर लोन और वो अपना एक नया काम नया व्यापार शुरू कर सकें, इस उद्देश्य से जो भी उनकी सहायता हो सके वो कराने के लिए यहाँ पर लोन मेले का आयोजन कराया। और क्योंकि हम फिल्टर नहीं कर सकते, पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं, ये बात सच है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि आपको बताया गया, इसका आयोजन ही इसीलिए किया गया है कि यहाँ के लोग इसके मुख्य नहीं ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेज हैं जो इन बैंकों से सामंजस्य स्थापित करके जो भी नेसेसरी दस्तावेज हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, उनकी लिस्ट पहले ही इनको एक हफ्ते पहले पिछले शुक्रवार को इन सभी लोगों को उपलब्ध करा दी गई थी। आज सुबह भी लाउडस्पीकर के माध्यम से थाना मोबाइल ने सारे डॉक्यूमेंट्स की घोषणा जो इनको लेके आना था उसकी की है, उसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है और इस तरह की कोई विवाद सत्य नहीं है। वहीं जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त वीके कौशल ने यह जानकारी दी। मैं उपायुक्त उद्योग मेरठ अवगत कराना चाहूँगा कि सोतीगंज में एक अभियान चलाया गया था कि जो हमारा जिले का नाम खराब हो रहा था, उस अभियान तर कुछ के कार्य लोगों को बंद करने पड़े। अब उसमें एक नई समस्या खड़ी होती है, किसी व्यवधान में आप व्यवधान उत्पन्न कीजिए, भले भी कैसा कार्य हो, जो भी लोग कार्य कर रहे थे रोजगार से जुड़े हुए थे, उनका रोजी रोटी का यापन था, जब उसको हमने उनको हटा दिया, उनसे विस्थापित कर दिया, तो हमारा यह फर्ज बनता है उन्हें कहीं रोजगार में जोड़ें ताकि वो अच्छे कामों में लगें। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और सभी को बताना चाहूँगा कि कोई कतई निराश ना हो, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए योजनाएँ हैं, हर आदमी को रोजगार दिलाया जा सकता है। जो आदमी ऋण लेना चाहता है, जिसके पास कुछ रखने के बंधक रखने के लिए कुछ नहीं है, उसको भी ऋण की व्यवस्था है, उसके लिए योजनाएँ हैं। जो आदमी ऋण नहीं लेना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास योजनाएँ हैं। हम उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद जिन औजारों पर जिन टिलकुटों पर वो काम करेंगे वो भी उन्हें दे देंगे। इसके अलावा जो आदमी ऋण लेके काम करना चाहता है उसके लिए हमारे योजनाएं हैं। ऋण किसी स्तर लेना चाहता हो, 50,000 10,000 लेकर के अनलिमिटेड सीमा तक ऋण देने की सुविधा है। बस आपको प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। आप किसी रोजगार से हटे ये न मानिए कि आपको यही आता है, यही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सीखने की कोई उम्र, कोई क्षमता, कोई सीमा नहीं होती है कि सब सिखाया जाता है। जिस काम जुड़े थे आप, वर्कशॉप में, लोहारी में, किसी में काम करना चाहें, जो काम करना चाहें, हर तरह हमारे पास योजनाएँ व्यवस्थाएँ, आपको हम ऋण दिलाएंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे। ट्रेनिंग के अलावा जब आपका माल तैयार हो जाएगा, बना कुछ भी सकते हैं। आज की समस्या ये है, आपका माल खरीदे कौन, तो हमारे यहाँ मार्केटिंग में भी, आपको विपणन में भी सहायता देने की योजनाएं हैं। आपकी जगह जगह एग्जीबिशन लगवाएंगे, एग्जीबिशन में स्टॉल लगवाएंगे, स्टॉल में आने जाने किराए देंगे। ये स्टॉलें आपकी मेरठ के अंदर हो सकती हैं, मेरठ से बाहर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर हो सकती हैं, और इसके अलावा आप विदेशों में भी जाएँ, मेरठ लगाएँ, हर जहाँ जहाँ जाएँगे आपको स्टॉल की किराया रिम्बर्स करेंगे हम, और एक आदमी साथ जाएगा उसको आने में किराया भी देंगे। तो हम हर तरह सुविधाएँ देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको ऋण देंगे, आपका जो माल होगा वो कराएं। इसके अलावा एक चौथी जो बहुत ही अच्छी सुविधा है, आपने कहीं माल सप्लाई किया, आपने अपना माल भेजा, कोई आपका भुगतान नहीं कर रहा है, उसकी भी हमारी व्यवस्था है, जैसे काउंसिल बनी हुई है, जो आपका डिलेड पेमेंट है आपका भुगतान भी करवाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।